आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। माय लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी। मेरी जो छोटी सी बहन है वो काफी शैतान है। व्हेन शी डैश बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे शी हैड डैश हर ड्रेस। अब यहाँ ब्रैकेट में कम और टियर दिया है, तो अगर हम इसको पास्ट टेंस में करते हैं तो होगा व्हेन शी कम केम बैक फ्रॉम द स्कूल यस्टरडे शी हैड टॉर्न हर ड्रेस। वी डैश आस्क हर हाउ इट हैड डैश हैपेंड, तो इसका होगा वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड। शी डैश से शी डैश हैव क्वारल विद द बॉय। अब उसने बताया कि उसका जो है एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया, तो शी सेड शी हैड क्वारल्ड विद अ बॉय। नेक्स्ट है शी डैश हैव बीट हिम इन अ रेस एंड ही डैश हैव ट्राइड टू पुश हर। शी हैड बीटन हिम इन अ रेस एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर। शी डैश हैव टेल द टीचर एंड सो ही डैश हैव चेज्ड हर। अब यहाँ पे क्या है, शी हैड टोल्ड द टीचर एंड सो ही हैड चेज्ड हर एंड शी डैश हैव फॉल डाउन एंड डैश हैव टियर हर ड्रेस। तो पास्ट टेंस हुआ शी हैड फॉलन डाउन एंड हैड टॉर्न हर ड्रेस। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। अब आपको यहाँ जो है चार सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कौन से वर्ड्स पास्ट में आएंगे कौन से वर्ड्स अर्लियर पास्ट में आएंगे। तो पहला सेंटेंस है माय फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी। तो पास्ट में आएगा सेट आउट और अर्लियर पास्ट में आएगा हैड सीन। फिर पास्ट में आपका एक और वर्ड आता है स्टेड। दूसरा सेंटेंस है व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट दे केम बैक होम बट बाय दैट टाइम आई हैड गॉन आउट टू सी अ मूवी। तो पास्ट में क्या आएगा अराइव्ड और केम, अर्लियर पास्ट में आएगा हैड लेफ्ट। थर्ड है सो दे सेट आउटसाइड एंड एट द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम। अगेन सेट और एट ये आए पास्ट में और हैड पैक्ड और हैड गॉन आएगा अर्लियर पास्ट में। डी है बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड फॉलन अस्लीप, तो पास्ट में आएगा रिटर्न और अर्लियर पास्ट में आएगा हैड फॉलन। डिक्शनरी वर्क बाय द एंड ऑफ द जर्नी वी हैड रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जर्नी खत्म होते होते पानी पूरा तरह से खत्म हो गया था। लुक एट द वर्ब रन आउट इन दिस सेंटेंस। इट इज अ फ्रेजल वर्ब। इट हैज टू पार्ट्स अ वर्ब एंड अ प्रपोजिशन एंड एन एडवर्ब। फ्रेजल वर्ब्स ऑफन हैव मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ देयर पास्ट। अब फाइंड दीज फ्रेजल वर्ब्स इन द स्टोरी। अब आपको बताने ये फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन से स्टोरी में है। बर्न आउट लाइट अप लुक ऑन रन आउट कीप आउट। ये बताइए कि राइट डाउन द सेंटेंसेस इन विच दे अकर, कहां पर ये आए हैं वर्ड्स। तो आंसर है हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज बोर्डेड अप। दूसरा है लाइट अप, दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप इन रिकॉग्निशन एंड हर फेमस फेस बिकेम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। थर्ड है लुक ऑन, हैंस वुल्फ एंड आई लुक ऑन द मैच and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Chautha hai run out, the time came and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and sausages had long since run out and we knew it was all over. Last word hai keep out, Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब है noun phrase. Read the following sentence. I took out a small black tin box. The phrase in italics is a noun phrase. ये जो phrase italics में दिया था, ये है एक noun phrase. It has the noun box, जैसा कि words में देता है. Plus इसके साथ तीन adjectives भी लगे हुए हैं. Small black tin. तो अब आपको यही बताना है कि जैसे अगर हम noun elephant है, तो एडजेक्टिव उसको दिखाने के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज होंगे वो आपके पास दिए हुए हैं। आपको बताना है कि एलिफेंट के साथ कितने मैक्सिमम एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ आएंगे एनॉर्मस चीयरफुल वाइल्ड लार्ज मीडियम साइज्ड। फिर दूसरा वर्ड है फेस, नाउन है। एडजेक्टिव आएंगे राउंड चीयरफुल चबी। थर्ड नाउन है बिल्डिंग,
इसके साथ एडजेक्टिव्स हैं मल्टी कलर्ड, ब्लू, रेड, लार्ज, मीडियम साइज। और फोर्थ है नाउन वाटर, जिसके साथ एडजेक्टिव लग रहा है ब्लू और कोल्ड। इन ग्रुप्स डिस्कस वेदर वॉर्स आर द गुड वे टू एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज, देन प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स टू द होल क्लास। ये अगेन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके खुद की ओपिनियन, खुद की राय चाहिए है। तो यहाँ पर आप इस आंसर को एक सैंपल की तरह ले सकते हैं, बाकी आप अपने ओपिनियन, अपने व्यूज खुद उसमें लिख सकते हैं। तो आंसर है वॉर्स आर नॉट द गुड वे टू एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज। अगर हम अपनी तरफ से कहें तो जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में वॉर का होना मतभेदों को सॉल्व करने के लिए वो एक सही रास्ता नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट टू वेज वॉर्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। खाली अपने मतभेदों को दूर करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वॉर करना, युद्ध लड़ना सही चीज नहीं है। वॉर शुड बी बैंड एंड पीसफुल वेज शुड बी अडेप्टेड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। शांति के तरीके से हम और अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं कि हम अपने मतभेदों को दूर करें। बहुत से और रास्ते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से किए जा सकते हैं, और हमारे हिसाब से जो वॉर्स हैं उनको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। वॉर्स हिंडर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि जब वॉर होता है तो उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे नेशन जो है वो पूरी तरह से थम गया है, क्योंकि तबाही भी होती है, प्रॉपर्टी हो चाहे लाइफ हो सबका नुकसान होता है। तो उस टाइम पे ना तो कंट्री की कोई प्रोग्रेस हो रही होती है, ना उसकी कोई प्रॉस्पेरिटी में बढ़त हो रही होती है। लेट टू हैवी लॉस ऑफ लाइफ्स ऑफ कॉमन मैन एज वेल एज रिसोर्सेज। जब वॉर होते हैं तो इंसानों की जिंदगी का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। वॉर डिस्टर्ब द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज वेल। आर्थिक जो विकास है हमारे नेशन का उसमें भी बहुत ज्यादा रुकावट बन जाता है ये युद्ध। No war is fought to bring peace or change in the society. कोई भी जो वॉर है वो इसलिए नहीं लड़ा जाता कि उसके लड़ने के बाद से शांति आ जाएगी या सोसाइटी में बदलाव आ जाएगा। Few drastic after effects of wars. अब जब वॉर हो जाता है उसके बाद के जो असर होते हैं उसमें क्या होता है, स्टिल बॉर्न चिल्ड्रेन, लैक ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर, पॉल्यूशन एटसेट्रा। मतलब जैसे कहना चाहिए सब तरफ जो है उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे होते हैं। आपको खाने पीने की कमी हो जाती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सब चीज़ों में एक तरह से उथल पुथल हो जाती है जो एक शांति तरीके से देश चल रहा होता है। अनएथिकल एनवायरनमेंट ड्यू टू इलीगल वेज अडॉप्टेड बाय द पीपल टू प्रोक्योर वेपन्स, आर्म्स एटसेट्रा। दूसरा, एक ऐसा वातावरण खड़ा हो जाता है जिसमें लोग जो हैं वो गलत रास्ते अपनाते हैं कि वो अपने यहाँ जो हैं वेपन्स जमा करते हैं, या जो आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं, इन सब को जो हैं वो जमा करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा तरीका है कि कंट्रीज़ को अगर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है, एंड करना है, तो वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उसके लिए उनको कोई और अल्टरनेटिव तरीकों को ढूंढना होगा जिससे पीस के साथ वो जो हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकें। अगला क्वेश्चन भी आपके ही अपने व्यूज के ऊपर है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंट्स डू यू लाइक एंड व्हाई। किस तरीके के प्रेजेंट्स आपको पसंद हैं और क्यों। व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हेन यू बाय प्रेजेंट फॉर अदर्स। आप चीजों को कौन सी ऐसी चीज में माइंड में रखते हैं जब आप दूसरों के लिए प्रेजेंट खरीदते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बाय अ बुक बिकॉज इट कैन बी रेड एंड री रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्योंकि यहाँ पर हम अपनी व्यूज दे रहे हैं इसलिए आप अपने व्यूज रख सकते हैं। सैंपल ये ले सकते हैं कि फॉर मी गिफ्ट इज समथिंग दैट एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। हमारे लिए गिफ्ट क्या है, एक ऐसे भाव है जो अगर हमें कोई गिफ्ट देता है ये उसकी भावनाओं को दर्शाता है। इट शुड नॉट बी जज बाय इट्स प्राइस और वेदर इट इज बिग और स्मॉल। सबसे पहले अगर आपको कोई तोहफा दिया जाता है तो उसको इस तरह से नहीं जज करना चाहिए कि उसकी कीमत कितनी है, छोटा है या बड़ा है। आई लव टू रिसीव गिफ्ट बट इट कैन बी इन एनी फॉर्म। अब तोहफा हर तरीके का होता है, मुझे भी तोहफे लेने पसंद है, पर तोहफे की एक अलग ही तरीका भी हो सकता है तोहफा देने का। जैसे इवन एनीबॉडी विश मी ऑन माय बर्थडे और सडन विजिट ऑफ लव्ड वंस ऑन द ओकेजन काउंट्स मी द बेस्ट गिफ्ट एवर। अगर हमें कोई विश ही कर दे तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि उसने हमें याद रखा, उसने हमें हमारी बर्थडे पे विश किया। या अचानक से आपको उम्मीद ना हो और सडनली आपका कोई बहुत ही क्लोज जो है वो आपकी बर्थडे के दिन आपके घर आ जाए, तो ये सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो जो गिफ्ट्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के उस गिफ्ट को ले रहे हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं। आप एक्सप्रेशंस जो देता है वो फीलिंग्स वही देता है कि किस तरीके से आपकी ज्यादा से ज्यादा जो प्यार है वो आपके गिफ्ट में झलकता है। इफ आई हैड टू प्रेजेंट द गिफ्ट टू समवन आई विल ट्राई टू गिव
विच कैन बी यूज्ड बाय हर। अगर मेरे को किसी को गिफ्ट देना है तो मैं सबसे पहले कोशिश ये करूंगी कि ऐसी चीज दूं जो उसके काम आए, एंड नॉट सिंपली एनीथिंग टू बी कैप्ट एज अ डेकोर आइटम। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को दूं बस चीज उठा के रख जाए। कोई ऐसी चीज जो उसके काम आए, जिसको वो बार बार इस्तेमाल कर सके, वही जो है मैं दूसरे को एज अ गिफ्ट में देना पसंद करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर जिम। अगेन सेल्फ क्वेश्चन है, आपको खुद इसका आंसर देना है। आप जिम हैं, यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर द वॉर। अब आप वॉर से जो है वापस लौट के आए हो। इन योर डायरी रिकॉर्ड हाउ यू विल फील अबाउट द चेंजेस यू सी एंड द इवेंट्स दैट ऑकर इन योर टाउन। अब आपको डायरी रिकॉर्ड में जो है आपको बताना है कि उस टाइम पे जब आप लौट के आते हो तो आप क्या बदलाव देखते हो और क्या क्या घटनाएं आपके टाउन में उस टाइम पे हो चुकी होती है। यू कुड बिगिन लाइक दिस। आप शुरू किस तरह से कर सकते हैं? 25th December 1919, इट्स क्रिसमस टूडे बट द टाउन लुक्स। अब इसके बाद आप अपने आप इसका डायरी पेज लिखिए। सैंपल के लिए हम बताते हैं, इट्स क्रिसमस टूडे बट द टाउन लुक्स नॉट एग्जैक्टली द सेम एज आई लेफ्ट। आज क्रिसमस का दिन है पर जो टाउन है वो ऐसा नहीं लग रहा जैसा मैं छोड़ के गया था। आई कैन फील द पीपल बिजी इन डूइंग द शॉपिंग फॉर क्रिसमस ईव बट समवेयर द एक्साइटमेंट इज नॉट देयर। मुझे लग रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि लोग जो हैं, क्योंकि क्रिसमस की शाम है इसलिए सब जो है बिजी है शॉपिंग में, लेकिन वो जो एक खुशी होती है अंदर से वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। मे बी ड्यू टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द टाउन बिकॉज ऑफ वॉर। शायद इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से हालात हो गए थे वॉर की वजह से, लोग सामान तो खरीद रहे हैं पर उतने खुश नहीं है। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड कैन फील द पेन ऑफ माई वाइफ हुम आई लेफ्ट अलोन व्हेन आई वेंट फॉर वॉर। मैं बाहर खड़ा हूँ अपने घर के और मुझे अपनी वाइफ के उस दर्द का एहसास हो रहा है कि जब मैं उसको अकेला वॉर पर जाने के लिए छोड़ के गया था। आई प्रोमिस्ड हर टू रिटर्न बैक ऑन क्रिसमस एंड हियर आई एम। मैंने उसको वादा किया था कि मैं क्रिसमस पर वापस लौट के आऊंगा और आज मैं आ भी गया। I don't want to miss the smiling expressions of her face when she will see me. और मैं जो हूँ वो उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो उसके भाव हैं, वो मैं मिस नहीं करना चाहता जब वो मुझे देखेगी। तो ये एक तरह का सैंपल है, आप इसके आगे और भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें, आपके ऊपर है। एक तो वो वाला क्वेश्चन था, दूसरा और है। सपोज यू आर द विजिटर, यू आर इन अ डिलेमा, यू डोंट नो वेदर टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी and disappoint the old lady or let her believe that her dear Jim has come back. आप विजिटर हो, आप इसी कंफ्यूजन में हो, अब आपको ये नहीं पता कि समझ आ रहा कि आप अपनी जो पहचान है उसको बताओ, क्योंकि आप नहीं चाहते वो जो ओल्ड लेडी है उसको थोड़ा सा भी निराशा हो, या उसको ये जो बिलीव हो रहा है कि उनके जिम जो है, उनके हस्बैंड वापस आ गए हैं, आप उनकी उस जो एक खुशी है उसको तोड़ना नहीं चाहते। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हाईलाइटिंग योर एंग्जायटी फियर्स एंड फीलिंग्स। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिसमें आप अपने इन इमोशंस के बारे में बता रहे हो। आई एम इन अ डिलेमा, इट सीम्स टू बी इनसॉल्वेबल। मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है इसका कोई मुझे सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। I therefore seek your help in making a decision. तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे ही राय ले ली जाए। You know I had purchased an old desk and found a letter. मैंने एक पुरानी डेस्क खरीदी थी, उसमें मुझे एक लेटर मिला। It was written by a British soldier to his wife and I have decided to give this letter to her. अब मैंने जब वो लेटर देखा तो मुझे पता चला कि वो एक ब्रिटिश सोल्जर ने अपनी वाइफ को लिखा था, तो मेरे को लगा क्यों ना मैं इस लेटर को उस लेडी को दे दूं। When I reached her house, she was not there. जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वो वहाँ नहीं थी। On inquiry, I found that she was shifted to the nursing home. Inquiry करने पे पता चला कि उनको जो है nursing home में shift कर दिया गया है। When I met her and gave the letter, her eyes lit up and she misunderstood me as a husband. अब जब मैं वहाँ उनसे मिला, उनको letter दिया, तो उनकी आँखों में एक अलग सी खुशी आ गई और ऐसा लगा जैसे वो मेरे को अपने हस्बैंड के तौर पे, उनको जैसे लगा कि उनके हस्बैंड आ गए हैं, वो मुझे वो समझने लग गई। Her eyes were full with tears. She kissed me and was very excited. उनकी आंखें जो हैं जैसे आंसुओं से भर गई थी, उन्होंने मुझे किस किया, बहुत ज़्यादा excited थी। Her age now was 101 years old. और इस वक्त उनकी उम्र 101 साल थी। She didn't listen to what I tried to tell her about my identity. और वो कुछ नहीं सुन रही थी उस वक्त जो मुझे उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो हूँ, मुझे डेस्क मिली है, मैं आपका लेटर लौटाने आया हूँ। I don't know whether or not I should tell her who am I. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं उनको बताऊं कि नहीं बताऊं कि मैं कौन हूं। I just quickly walked away from her. और मैं इसलिए वहां से जो है जल्दी से आ गया। तो मेरे को इसमें आपकी राय चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे कि मैं क्या करूं। और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन।
अब यहाँ पर एक आपको आउटलाइन दी गई है स्टोरी की, आपको इससे इस आउटलाइन की मदद से एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो ये स्टोरी हमने क्रिएट करी है, आप अपने हिसाब से कोई सैंपल स्टोरी और क्रिएट कर सकते हैं। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर हु वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये जो कहानी है एक बहुत ही यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर की है जो फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया का था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। As a freedom fighter, he was arrested by the police and was exiled to the Andaman and Nicobar Islands by the British court in the famous cellular jail where mostly the prisoners were sent for punishment. क्योंकि वो एक freedom fighter थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर उनको जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो इनको पहले कहते थे काला पानी की सजा हो गई, वो दे दी गई ब्रिटिश कोर्ट के द्वारा, जो फेमस जेल थी वहाँ की, जहाँ पर ज्यादातर प्रिजनर्स जो है पनिशमेंट के लिए भेजे जाते थे। The prisoners were supposed to stand their whole life over there without any kind of facility. अब वहाँ जो prisoners थे उनको पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रह सकते हैं उनको वहीं रहना है, ना उनको वहाँ किसी चीज़ की सुविधा है ना कुछ। They tortured the prisoners and due to this there was a revolt by inmates. अब क्योंकि वहाँ पर जो थे वो लोग बहुत ज़्यादा prisoners को torture करते थे, इसलिए जो वहाँ के और साथ के लोग थे उनके द्वारा जो है एक तरह से बगावत हो गई। With all the prisoners, doctor was also hanged. सारे प्रिजनर्स के साथ डॉक्टर को भी जो है हैंग कर दिया गया। His wife waits for his return as she was expecting that her husband will return back one day after imprisonment. उनकी जो वाइफ थी वो उनका इंतजार कर रही थी कि उनको उम्मीद थी कि उनके हस्बैंड जो है एक ना एक दिन अपनी सजा पूरी करके वापस जरूर लौटेंगे। She becomes old and was waiting for her husband and was also lying on the death bed. But still she continues to wait with hope and faith. अब एक तरह से उनकी वाइफ जो है वो बूढ़ी हो चुकी अपने हस्बैंड की वेट करते करते, वो उनकी खुद ऐसी कंडीशन आ गई कि आज वो मरणों जैसे कहते हैं ना अवस्था में आ गई हैं, लेकिन तब भी जो उनकी एक उम्मीद है, जो एक उनका इंतज़ार है, एक ऐसा इंतज़ार जिसमें उम्मीद है विश्वास है, वो आज भी उनके दिल में है कि उनके हस्बैंड लौट के आएंगे। तो ये था आपका चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।